बंगाल में टोल नाकों पर सेना की तैनाती के मुद्दे पर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सेना तैनात करना चिंता का विषय है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वहीं सेना की तैनाती पर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इसे सरकार की तानाशाही बताया है। बंगाल में जो हुआ है कल रात को, आज सुबह तक हिंदुस्तान में कोई राज्य में कभी भी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं है। हमारा सेक्रेटरिएट है बंगाल का सेक्रेटरिएट, हुगली सेकेंड हुगली ब्रिज के बगल में जो बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग का नाम है नवान्न। चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठती है। अचानक देखा गया 20-30 आर्मी वैन आ गया उधर और टोल प्लाजा को दखल कर लिया और सारे व्हीकुलर ट्रैफिक जो आ रहे थे उनका नंबर टोक रहा था उसमें, क्या स्टिकर लगा रहे थे। क्यों और कैसे ये किया गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई जानकारी नहीं था। इस मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने भी चिंता जाहिर की है। मायावती ने कहा कि राज्य की अनुमति के बिना सेना तैनात करना संघीय ढांचे पर हमला है। आर्मी तभी आती है जब वो स्टेट की परमिशन ले ले, उसके परमिशन से आर्मी आती है। लेकिन बंगाल के अंदर क्या हुआ है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के वहाँ पर आर्मी को लगाया गया है, तो मैं समझती हूँ ये हमारे भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचे का प्रावधान है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हमला है। वहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने कहा कि पश्चिम बंगाल को जानकारी दे दी गई थी, यह पिछले साल भी हुआ था। सेना को विवादों में घसीटना नहीं चाहिए। Let him speak. What I am trying to say. Let us know the facts so that it is useful. Because let us not drag army into controversies. इस मामले पर सेना का बयान भी आया है। सेना ने कहा है कि अभ्यास एक खास जगह पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए किया गया और जरूरी डाटा इकट्ठा होने के बाद हम वहां से हट गए। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में इस तरह की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का आरोप है कि प्रदेश सरकार को सूचित किए बगैर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पलसित और दानकुनी के 2 टोल प्लाजा पर सेना तैनात की गई, जो अभूतपूर्व और गंभीर मुद्दा है और आपातकाल से खराब है। वहीं बंगाल में इस हलचल के बाद ममता बनर्जी रात भर सचिवालय में डटी रहीं। बंगाल के टोल नाकों पर सेना की तैनाती से बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है। सरकार के इस कदम से बौखलाई ममता बनर्जी ने, बंगाल से सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। तो वहीं संसद के दोनों सदनों में आज इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। देखते रहिए डीबी लाइव।